वैसे तो ऑन पेज एसईओ जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हमें कंटिन्यू काम करते रहना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आपको ऑन पेज एसईओ करते वक्त ध्यान रखना होता है, फोकस करना होता है, सो दैट कि आप नंबर वन पे जो है रैंक कर सकें। तो ये जो है क्या पूरा डिटेल में जानने के लिए ऑन पेज एसईओ के बारे में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरा डिटेल में उसको वहीं पे समझते हैं। सो चलिए ऑन पेज एसईओ के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। हालांकि पूरा डिटेल में समझने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा हमें सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए, लेकिन एक ओवरव्यू जो है लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे मेन कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर में आपको काम करना होगा, लेकिन उससे पहले इसका जो ऑन पेज एसईओ का जो स्ट्रक्चर है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के बारे में कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ के बारे में हम बात करें तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट बोलता है ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट of all the elements of SEO which you can control, यानी कि आपके पास में जो भी आपका पेज है जिसका आप SEO कर रहे हो तो आप उसके अंदर आपके पास में कंट्रोल है, यू कैन कंट्रोल दैट एंटायर थिंग, राइट। सो बिकॉज ये ऑन पेज SEO है, ये आपके कंट्रोल में रह सकता है। ऑन पेज SEO शुड बी डन इवन इफ यू आर रैंकिंग नंबर वन, अगर आप सर्च इंजिन के नंबर वन पे आ भी रहे हो तो भी आपको जो है हमेशा कंटिन्यू सर्च ये एसईओ जो है वो करते रहना है। बिकॉज जब भी हम किसी सर्च इंजिन पे सर्च करते हैं तो वहां पे आपके पास में ये सर्च ऑप्शन है, तो उसके नीचे ही अगर मान लो कोई भी कीवर्ड सर्च करता है और उसके जस्ट नीचे आपका जो है रैंक कर रहा है, इट डज नॉट मीन दैट कि यहां पर आपकी जो पोजिशन है वो आपकी बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो गई है। ये जो पोजिशन है ये हमेशा वेरी करती रहेगी। तो डेफिनेटली अभी माइट बी को ये जो कीवर्ड यहां पे सर्च किया गया है किसी के द्वारा उसकी वजह से आप नंबर वन पे रैंक कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऑन पेज एसईओ करना बंद कर देते हो यानी कि आप उसको ऑप्टिमाइजेशन उसका बंद कर देते हो तो डेफिनेटली यहां पर आपकी जो पोजीशन है वो नीचे ड्रैग हो सकती है और आपकी जगह पे कोई दूसरा जो है नंबर वन पोजीशन पे आ सकता है। सो इसीलिए जब भी हम ऑन पेज एसईओ की बात करें तो आपको कंटिन्यू, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस विच वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टाइम, राइट। तो ऑन पेज एसईओ के दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है वन टाइम सेटअप और एक होता है आपका वंस इन अ वाइल। सो बेसिकली ऑन वन टाइम की अगर बात करें तो वन टाइम में क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में जो रैंकिंग फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास में SSL का जो होना इंपॉर्टेंट है, राइट, तभी हम उस पर ऑन पेज पे एसईओ कर पाएंगे, तभी वो हमारा रैंकिंग में आएगा। बिकॉज ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज SSL क्या करता है आपका सिक्योर करवाता है, राइट। फिर आपका जो है URL, आपने URL डिसाइड किया तो URL जो है वो जब भी हम उसको रिलीज करते हैं तो फर्स्ट टाइम में वही यहाँ पे हम जो है URL का डिसीजन लेते हैं। URL एक ऐसी चीज है जो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा कुछ एक वन टाइम पूरा सेटअप करने का तरीका है, राइट। और दूसरा हमारे पास में होता है ऑन वंस इन अ वाइल, तो माइट भी आपको जो है टाइटल जो उसका है, राइट, टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइटल जो है उतना इफेक्टिवनेस नहीं है इसके अंदर, तो आप टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप उसके जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपका जो कॉन्टेंट है उसके अंदर पेज के ऊपर में उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो ये जो सारी चीजें ये आपकी वंस इन अ वाइल होती रही, मतलब ऑनगोइंग ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो आपका चलता रह सकता है, बट ये कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास में एक ही टाइम पे जो है आपको सेटअप करनी होती है। तो दो सेक्शंस के अंदर हम एसईओ करते हैं, एक आपका वन टाइम जिसके ऊपर मैं आपको जब भी आप कंटेंट रिलीज करने जा रहे हैं, कोई पेज आपका ब्लॉग का है तो उसको अगर आप रिलीज करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले आपको जो है जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको यहां पे फाइंड आउट कर लेने हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पहले से ही कॉन्फिगर करके छोड़ देना है, पूरा ऑन पेज एसईओ करके छोड़ना है। लेकिन अगर बाकी चीजों की बात करें तो वो आपके कंट्रोल में है, वो आप बाद में भी आसानी से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो विच भी फैक्टर्स की बात करें तो विच डू हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैंकिंग इफेक्ट, ये फैक्टर्स हैं, ये आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके जो नंबर वन रैंक करने के लिए जो है ये आपके इफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले बात करें, वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल, यानी कि अगर आपका जो वेबसाइट है वो क्रॉल नहीं कर पाया, आपका जो सर्च इंजिन हैं जो उनके क्रॉलर्स हैं वो अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार,
हो जाएगा, राइट। आपकी वेबसाइट कभी भी नंबर वन पे रैंक नहीं कर पाएगी, तो ये आपके लिए होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यूजर फ्रेंडली यूआरएल इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आसानी से गूगल जो है आपका जो क्रॉलर है वो उसको समझ सके, और अगर कोई कीवर्ड आपका जो है फोकस है तो उसी कीवर्ड को ट्राई करें कि आपके यूआरएल के अंदर एंटर करें, और जब भी कोई सर्च करेगा, क्योंकि आपके यूआरएल में भी है, तो खैर वे हम सब चीजें प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। फिर उसके बाद में वेल टारगेट कंटेंट आपका होना चाहिए, कंटेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए आपका। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आपके पास में होना चाहिए, कीवर्ड के ऊपर में आपको काफ़ी रिसर्च करनी है। विल डेफिनेटली कवर दी कीवर्ड रिसर्च ऑप्शन कि अब जब भी हम काम करते हैं तो कीवर्ड के ऊपर में कैसे रिसर्च करनी है, कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए परफेक्ट है और उस पर हमें कितना ट्रैफिक मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम पहले से पूरा जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में HTTPS, जैसे मैंने बताया, SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो आपका से है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आप ऑन पेज SEO करो लेकिन आपका SSL सर्टिफिकेट नहीं डला हुआ है, तो क्या होगा कि गूगल आपके वेबसाइट को कंसीडर नहीं करेगा यूजर को दिखाने के लिए, बिकॉज आपका जो है एक सिक्योर कनेक्टिविटी जो है वो आपकी वेबसाइट के साथ में नहीं बन पा रही है। देन आपका आता है इंगेजिंग फॉर्मेट, यानी कि जो इंगेजिंग फॉर्मेट कहने का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम सिंपल ऐसी होनी चाहिए जहां पे यूजर को कोई डिफिकल्टी ना हो, राइट, उसका जो डिफिकल्टी ना हो उसको चीज को समझने में, तो ऐसी आपकी इंगेजिंग फॉर्मेट होनी चाहिए वेबसाइट की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इमेज के ऊपर में भी आपका ऑप्टिमाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को पता है दे डोंट डू इमेज ऑप्टिमाइजेशन। रीडेबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, रीडेबिलिटी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कोई इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे हैं तो इतना हार्ड वर्ड्स को, हार्श वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना जिसके लिए यूजर को वहां से वर्ड को कॉपी करके उसको गूगल में ट्रांसलेट करके उसका मतलब समझना पड़े, वैसा नहीं करना है आपको। जो एक सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करते हुए चीजों को रखना है, सो दैट कि एक नॉर्मल यूजर, यू मे नेवर नो कि कौन आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है, माइट बी कुछ ऐसे यूजर होंगे जिनको इतने इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं आती है, राइट, तो वो, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी परफेक्ट है और आपके लिए भी परफेक्ट होगा कि आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपका CTR, क्लिक थ्रू रेट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो टाइटल है या आपका जो ब्लॉग का जो वेबसाइट का जो थंबनेल वगैरह है या उसका डिस्क्रिप्शन है वो अगर क्लिक थ्रू नहीं है, मतलब उसको रीड करके किसी को लग ही नहीं रहा कि यार इस पे मैं क्लिक करूं, तो दैट इज दी यू कैन से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो क्लिक थ्रू रेट के ऊपर में हमें काम करना है जिसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। देन आपका आता है रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस बिकॉज आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिवाइसेस आते हैं, तो जो भी आपका वेबसाइट है या जो भी आपका कंटेंट है वो, सॉरी कंटेंट नहीं, वेबसाइट का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो आपका जो है हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हर डिवाइस के हिसाब से वो एक परफेक्ट होना चाहिए, यूजर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, मोबाइल डिवाइसेस को देनी है, मैक्सिमम यूजर आज की डेट में आपके पास में मोबाइल से जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। क्वालिटी आउटबाउंड लिंक, वैसे तो ये बैकलिंक्स का काम है लेकिन बैकलिंक्स को हम जो इनबाउंड बैकलिंक्स आते हैं, राइट, ऑफ पेज SEO के अंदर, उनके ऊपर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम आउटबाउंड बैकलिंक्स दे रहे हैं उसके ऊपर में डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मेक श्योर ये करना है कि जो चीज, जो बैकलिंक हम आउट दे रहे हैं, जो एक्सटर्नल हम यहाँ पे URL लिंक जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, मेक श्योर ये करना है कि वो ऐसी वेबसाइट को या ऐसे लोकेशंस की आपके होनी चाहिए जहाँ पर आपका उसका जो अथॉरिटी है, ये उसका जो यू कैन से उसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो एक रीडेबिलिटी है, इंगेजमेंट है, वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट, तो ही आपका ये बेनिफिशियल होगा। देन आपका कंटेंट या वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट आप किस तरीके से लिख रहे हैं, राइट, ये नहीं कि हर कंटेंट लिखते जा रहे हैं लेकिन उसी के अंदर एक खिचड़ी पकाते जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में जो है उसका कंटेंट का फॉर्मेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट यूजर को जो आसानी से पता चलना चाहिए कि ये कुछ आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाह रहे हो। तो इसके लिए जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिंपल से मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अवेलेबल जिसके ऊपर में हमें काम करना होता है, राइट, वो सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, तो वह वन बाय वन करके जो है हम आगे इसके ऊपर में भी ऑप्टिमाइज करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल नाउडेज जिसको हम इस्तेमाल करके अपना ऑप्टिमाइजेशन जो है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा ऑन पेज SEO परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को जो है यहाँ पे पूरा ध्यान में रख सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये जो पूरा ऑन पेज SEO उसके बारे में जो मैं फैक्टर
फैक्टर्स बताए आपको, राइट, और कितनी तरह से आपको चीजों को सेट करना है, ये वन टाइम कौन सी चीजें सेट करनी है और बाकी आपकी जो है ऑनगोइंग कैसे आपको उसको चेंजेस करने ऑप्टिमाइज करना है, राइट, ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा सो दैट कि आपको जो पूरा चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आए। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नए हैं चैनल पे, तो जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के एसईओ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास में काफी सारे वीडियोस जो हैं इस पे अपलोड होते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।